हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। हमने अपने पिछले जो वीडियो है उसमें रिलेशंस की बात की थी कि रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को प्लीज़ देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। पहली जो टाइप है रिलेशंस की उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बाय डेफिनेशन ऐसा रिलेशन है कि जो ये कहता है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर। यानी आर तब रिफ्लेक्सिव होगा जब ए में पाया जाने वाला कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उस रिलेशनशिप में पाया जाए, तो ऐसी सूरत में उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। यानी ए कोई भी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी एक सेट में पाया जा रहा है वो अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब पाया जाएगा आर में, तब हम उस रिलेशन को जो है वो क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए 1, 2, 3, 4 और उसके ऊपर चार रिलेशंस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं R1, R2, R3 और R4। हम बारी बारी देखते हैं कि ये जो R1, R2, R3, R4 हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है। बाई डेफिनेशन हमने ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो ए का, उसको उसका अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर होगा तो उस रिलेशन में, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखें, वन जो है वन का अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 में है, 2 का भी है, 3 का अपने साथ है, 4 का अपने साथ है। इसका मतलब ये है कि R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो नीचे दिया गया है जी R1 रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह R2 को हम देख लेते हैं कि R2 क्या है। R2 by definition reflexive की, अच्छा जी, reflexive की definition के हिसाब से हमें R2 में देखना है कि क्या 1 का अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद है, जी मौजूद है, 2 का है, 3 का है, 4 का नहीं है। 4 का जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह R3 में 1-1 है, 2-2 भी है, 3-3 भी है और 4-4 भी है। उसके अलावा क्या क्या है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने देखना है। बाकी सारे मेम्ब्रांस जो हैं वो सारे मेंबर्स जो हैं उनका आपस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या नहीं है। इसी तरह इसका मतलब R3 रिफ्लेक्सिव है। R4 को अगर आप देख लें तो ये इसमें 1-1 नहीं है, 2-2 है, 3-3 भी नहीं है और 4-4 है। तो 1-1 और 3-3 ना होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ किस तरीके से होता है, वो देखने में कैसा होता है, वो सिंपली यही एग्जांपल जो अभी हमने सॉर्ट आउट किए हैं, निकाली हैं, इन्हीं से देख लेते हैं कि ग्राफ्स इनके कैसे बनते हैं। अब ग्राफ जो इसका होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी जितने मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 ये सारे मेंबर्स हैं, इनके अपने ऊपर जो है वो एक लूप होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर किसी जगह पर अपने ऊपर लूप नहीं है, मसलन 3 का अपने ऊपर लूप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप बारी बारी ग्राफ्स ड्रा करें, लास्ट वीडियो में ग्राफ्स ड्रा करने का तरीका भी बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ्स किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव इसका मतलब है R1 है, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि जो 4 है 4 का अपने ऊपर जो जो लूप है वो नहीं है। इस तरीके से आपका जो R3 है वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे मेम्ब्रान जो है वो अपने साथ एक लूप रखते हैं। R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 और 4 दोनों अपने ऊपर लूप नहीं रखते। तो ये तरीका है इसको डायरेक्ट ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करने का। अभी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो वो भी बड़ी सिंपल है। ज़ाहिर है आपने इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, तो आप इस मैट्रिक्स के बाहर
भी 1 2 3 लिखेंगे और इधर भी 1 2 3 लिखेंगे और फिर आप अपने रिलेशन को डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका रिलेशन है 1 1 1 3 2 2 3 2 और 3 3, तो इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। आपके पास 1 1 है तो 1 1, इसके बाद 1 3 है तो इधर 1 लिख लेंगे 3 के नीचे। अच्छा, 2 के कौन कौन से हैं, 2 का 2 है तो इधर आप लिख लेंगे, बस यही है। अब 3 के कौन कौन से हैं, 3 का जो है वो 3 2 है तो 2 के नीचे 1 लिखेंगे, और 3 3 है तो 3 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी जो खाली स्पेसेस बच जाएंगे उधर 0 लगा देंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की, कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन जो है उससे मुराद ये है कि अगर कोई रिलेशन आर है आपके पास सेट ए के ऊपर, तो आर सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ़ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ ए आर बी देन बी आर ए। यानी इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे है कि अगर आपके रिलेशन में कोई दो जो है वो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और उनका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो अगर बी और ए भी पाया जाएगा उस रिलेशन में तो हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एग्जांपल से हम देख लेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, और इस पे रिलेशनशिप डिफाइन किए गए आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर। हमने देखना ये है कि ये जो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन होना ये चाहिए कि आपका अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो इधर, और अगर 2 3 है तो 3 2 भी हो, और अगर 3 4 है तो 4 3 भी हो। तो हम देखते हैं क्या जो कोई मेम्बर हैं उनका रिवर्स वाला भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स भी 1 1 होगा, तो इसका मतलब यह है कि ये ठीक है, इसका रिवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 3 है तो आपके पास 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 है हमारे पास। 2 4 है तो आपके पास 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी है। इसका मतलब ये है कि जो R1 है इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स पाए जा रहे हैं, जितने पेयर्स पाए जा रहे हैं, उन पेयर्स का इन्वर्स पेयर भी आपके पास मौजूद है इसी सेट के अंदर, इसी सॉरी रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। अच्छा जी, R2 को देख लेते हैं। अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर आपके पास 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट यानी 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 का अपोजिट भी 1 1 होता है। इसी तरह 2 2 है तो 2 2 का अपोजिट भी 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 का अपोजिट भी है, और 4 4 है तो 4 4 का अपोजिट भी 4 4 ही है। इसका मतलब R2 भी जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। अच्छा जी, R3 देख लेते हैं। R3 बाय डेफिनेशन 2 2 है तो 2 का इन्वर्स भी 2 2 ही है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये तो है। अब 2 3 है तो आपके पास 3 2 होना चाहिए था, 3 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि R3 जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह R4 की बात करेंगे, 1 1 2 2 और 3 3 की ज़रूरत नहीं है। 4 3 के साथ 3 4 होना चाहिए, 3 4 नहीं है आपके पास, इसका मतलब ये है कि R4 भी सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये सारी रीजंस नीचे दी गई हैं। अब सिमेट्रिक का अगर डायरेक्टेड ग्राफ आप बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमेशा फॉर अ सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ वन एवर देर इज़ एन एरो गोइंग फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ द ग्राफ टू अ सेकेंड, जब भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब वो एरो जा रहा होगा तो आप उसी पॉइंट से वापस एक एरो उसी पहले वाले पॉइंट पर भी आ रहा होगा, ये होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरीके से एक रिलेशनशिप को रिफ्लेक्सिव होने के लिए लूप की ज़रूरत होती है, यानी उसके अपने ऊपर लूप होना चाहिए, इस तरह इसमें ये होता है कि आप से अगर 1 से 2 की तरफ जा रहा है या 1 से 3 की तरफ जा रहा है तो 1 से 3 की तरफ जा रहा है तो 3 से 1 की तरफ भी जाना चाहिए उसको, तब ये सिमेट्रिक होगा। इसी तरह अगर 4 से 2 की तरफ जा रहा है तो 2 से 4 की तरफ भी जाना चाहिए, यानी इस तरह की शेप आपकी जो है वापस लूप बैक वाली शेप जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसमें सेल्फ लूप था जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, उसमें हर एक मेंबर के ऊपर अपने ऊपर लूप होना चाहिए। इसमें अगर ये किसी दूसरे मेंबर पे जा रहा है तो वापस लूप बैक होना चाहिए, ठीक है जी, तो ये निशानी है इसकी। अब R2 की बात करेंगे तो R2 में लूप बैक नहीं है क्योंकि सारे के सारे मेम्बरान जो हैं वो अपने
अपने ही गिर्द घूम रहे हैं, यानी अपने ही अपोजिट्स हैं। आर टू को ज़रा देख लें थोड़ी देर के लिए। आर टू क्या था, 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी ये अपने ऊपर ही लूप बैक कर रहे हैं, यानी अपने ही इनवर्स बना रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसमें कोई जो है वो 2 3 है तो 3 2 नहीं हो रहा, बल्कि 3 4 हो रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह यहाँ से अगर 4 3 हो रहा है तो इसको 3 4 भी होता साथ, तो ये सिमेट्रिक होता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, इट्स नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा जी, इसको अब मैट्रिक्स के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक रिलेशन है 1 3 2 2 3 1 और 3 3, तो बड़ा आसान है, आपने इसमें इस स्क्वेयर ब्रैकेट डालनी है, बाहर जो है वो पहला लिखना है आपने 1 2 3, और इसी का अपोजिट आपने यही सॉरी 1 2 3 आपने इधर भी लिख देना है, और जो आपके जो रिलेशन हैं बनते हैं उनको आपने इस तरह ड्रा कर लेना। मतलब पहला है 1 3, तो 1 और इधर 1 लिख देना आपने, यानी ये वो रिलेशन है जो 3 और 1 को जोड़ रहा है, यानी 1 3। अच्छा जी, 2 2 है तो 2, और यहाँ पे आपने 1 लिख देना है कि ये बता सके कि ये 2 2 है, और 3 1 है तो 3 1, और 3 3 है तो 3, यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, 3 3, ठीक हो गया जी। अब हम तीसरी टाइप की बात करेंगे रिलेशंस की, वो टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली एग्जिस्ट करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने इससे पहले भी देखा है, लेकिन इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। असल में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक रिलेशन में ए और बी है और बी और सी है, तो आपके पास सी ए और सी भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 2 3 एक जो है वो एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो आपका रिलेशन में अगर 1 2 हो, 2 3 हो, तो 1 3 भी साथ हो, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको थोड़ी सी एग्जांपल से देखेंगे तो हमें बेहतर समझ आ जाएगी कि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं। अब आपके पास सपोज ए एक सेट है 1 2 3 4, और उस पर रिलेशंस डिफाइन किए गए R1 R2 एंड R3 इस तरीके से। R1 है 1 1 1 2 1 3 और 2 3, और R2 है 1 2 1 4 2 3 3 4, और इसी तरह R3 भी कोई रिलेशन है। अब हमने देखना है कि बाय डेफिनेशन क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है R1 या नहीं। तो R1 को ट्रांजिटिव साबित होने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपके पास पेयर है। 1 1 है, 1 1 ओके, तो आपके पास फिर 1 2 है ओके, अब 1 3 भी आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास अगर 1 3 इसमें है, देखें 1 2 3, 1 1 है, सॉरी 1 2 1 3, तो 2 3, ये आपके पास पूरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप 1 को ए कह लें और 2 को बी कह लें और 3 को सी कह लें, तो आपके पास क्या है, ए बी, ए सी और बी सी, यानी ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपने तीनों चीज़ें देखनी है, ए बी, बी सी और ए सी, यानी उनके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि R1 जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी तरीके से हम अगला रिलेशन R2 देखते हैं, 1 2 1 4 2 3 और 3 4, इसमें आपने जो आपने देखना है कि 1 2 है आपके पास, 1 2 के बाद 2 3 है ओके, तो अब 1 3 भी होना चाहिए आपके पास। अगर 1 3 आपके पास होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता रिलेशन, लेकिन 1 3 नहीं है, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से R3 आपका जो रिलेशन है, इसमें देख लें कि कहीं कोई ट्रांजिटिव चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो आपके पास 2 1 है, 2 4 है, 2 3 है और 3 4 है, तो ये मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपके पास 2 4 है, 2 3 है और 3 4 है, यानी ये तीनों मिलके एक ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, तीन तरह के हमने रिलेशन देख लिए, सॉरी इसका डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो देख लेते हैं हम। इसका डायरेक्टेड ग्राफ वो बताता है कि फॉर ट्रांजिटिव डायरेक्टेड ग्राफ, वेन एवर देर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू द सेकेंड एंड फ्रॉम द सेकेंड टू द थर्ड, देन देर इज एन एरो गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड। जब पहले से दूसरे पे एरो जा रहा है और दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तो फिर पहले से तीसरे पे भी एक एरो जा रहा होगा,
ये बात कर रहा है डायरेक्टली ग्राफ की। तो R1 ट्रांजिटिव है, तो अब देख लें कि R1 का जो ग्राफ बन अगर आपने बनाया है डायरेक्टली ग्राफ, तो वो इस किस तरह से बन रहा है कि अगर पहले से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे, तो फिर पहले से तीसरे पे डायरेक्ट भी एक रिलेशन जा रहा होगा, इस तब उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से आप यहाँ से देखें, पहले से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, लेकिन पहले से तीसरे पे नहीं जा रहा, तो या दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तीसरे से चौथे पे जा रहा है, लेकिन दूसरे से चौथे पे डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से आपका जो तीसरा रिलेशन है वो ये कह रहा है कि दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, दूसरे से पहले पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, और चौथे से जो है वो तीसरे पे भी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप देखेंगे दूसरे से पहले पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, और तीसरे से चौथे से तीसरे पे भी जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा जी, आगे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो एक्सरसाइजेस आप देख लेंगे कि वो सारी की सारी इसी पे हैं कि आपने फाइंड करना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये सारी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव जो है ये हमने देखने हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इक्वलेंस रिलेशन की। इक्वलेंस रिलेशन बजाते खुद कोई अलग से टाइप नहीं है। इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं कि दो रिलेशन तब इक्वल होते हैं जब वो सॉरी एक रिलेशन तब इक्वलेंस रिलेशन होता है जब वो तीनों हो, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। एक टाइम पे ये तीनों रिलेशन उसमें पाए जाते हैं, वो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, उसमें सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उस रिलेशन को इक्वलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्वलेंस रिलेशन देखने के लिए जाहिर सी बात है आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों है तो वो इक्वलेंस रिलेशन है, अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। तो ये एक तरीका है रिलेशन को फाइंड करने का। अब हम बात करेंगे बेसिकली कांग्रुएंसिस की। कांग्रुएंसिस क्या चीज़ें होती हैं और मॉड बेसिकली क्या चीज़ होता है। तो अगर सपोज इसको समझने के लिए मैं एक आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि इसको किस तरीके से इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। अब सपोज हमारे पास बेशुमार नंबर्स हैं, उन नंबर्स को पहले इस लेफ्ट साइड वाली डायग्राम को आप ज़रा गौर से देखें। इस लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में हम बेसिकली मॉड का जिक्र कर रहे हैं, मॉड 5 का जिक्र कर रहे हैं। तो मॉड 5 है तो हमने 0 से लेके 4 तक छोटे छोटे पीसीज बना लिए हैं, एक सर्कल में छोटे छोटे पीसीज। अब ये इन पीसीज को आप बकेट समझना शुरू कर दें, वो बकेट से मुराद कोई बाल्टियाँ हैं जिधर आप नंबर्स डाल सकते हैं। तो अब आपने देखना ये है कि कोई भी नंबर, आपने एक नंबर उठाया, फॉर एग्जांपल 26 एक नंबर है, तो 26 जो नंबर है वो इनमें से किस बकेट में आएगा। अब 26 को अगर 5 पे, अब मॉड 5 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये 4 तक है, 0 से 4 तक है, इसका मतलब है ये मॉड 5 की बात हो रही है। अब देखना है कि 26 जो है वो 5 पे कितना डिवाइड हो जाता है। आपको पता है कि 26 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 बचता है, यानी 25 तक ये आ जाता है और 1 बचता है। तो इसका मतलब है हम 26 को इस 1 वाली बकेट में रखेंगे। फिर कोई और नंबर लें, मिसाल के तौर पे आप 12 नंबर ले लें, 12 नंबर है उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 10 तक वो डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो इसका मतलब 12 को हम इस बकेट में रखेंगे। फिर कोई और नंबर ले लें, कोई आप 33 ले लें, 33 आपने नंबर ले लिया, 33 को आप जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि आपका 30 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो वो 3 जब बच जाएगा तो वो बेसिकली 33 इस वाली बकेट में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से आप जो है वो ले लें 29 ले लें, 29 एक नंबर है, 29 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 25 तक तो डिवाइड हो जाएगा, पीछे 4 बच जाएगा, तो इसका मतलब है 29 इस बकेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मॉड 5 की हम बात करेंगे, जब हम मॉड 5 नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो नंबर किस तरीके से जो है वो अपना जो है वो करते रहते हैं,
किस किस बकेट में आते रहते हैं। तो ये ज़रा राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देखें, तो ये वन वाला है, इसमें सारे 6, 11, 16, 21, 26 ये सारे एक सेम बकेट में आ रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे एक ही बकेट में आ रहे हैं। इस तरह टू वाली बकेट है, इसमें माइनस वाले नंबर फ़िलहाल छोड़ दें, तो पॉजिटिव वाले आप देखें कि 2, 7, 12, 17, 22, 27 ये सारे इसमें आ रहे हैं। थ्री वाली बकेट में 8, 13, 18, 23, 28 ये सारे थ्री वाली बकेट में आ रहे हैं। और फोर वाली बकेट में 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 ये सारे फोर वाली बकेट में आ रहे हैं। इसी तरह ज़ीरो वाली बकेट है, जिसमें 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो जितने भी नंबर्स आप लेते जाएंगे वो इन चारों में से किसी एक बकेट में आते जाएंगे, अगर आप मॉड 5 पे उनको रखते जा रहे हैं। तो कांग्रुएंट बेसिकली या कांग्रुएंस क्या होता है कि जब कोई से दो नंबर, मसलन 1 और 6, मैं ये कहता हूँ कि 1 और 6 कांग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक बकेट में लाए करते हैं। इसी तरह 6 और 11 कांग्रुएंट हैं, 11 और 16 कांग्रुएंट हैं, यानी ये एक उस मॉड 5 के लिहाज से, मतलब मॉड भी आपको 7 कांग्रुएंस में बताना पड़ता है कि मॉड 5 के लिहाज से 16 और 21 जो हैं वो कांग्रुएंट हैं। अच्छा जी, मॉड 5 के लिहाज से 11 और 13 कांग्रुएंट हैं या नहीं हैं ये बताएं। मतलब आपको कांग्रुएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किसी एक कोई एक मॉड आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो मॉड अप्लाई करने के बाद अगर वो एक बकेट के अंदर आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि वो कांग्रुएंट हैं, अगर वो एक बकेट के अंदर नहीं आ रहे इसका मतलब है ये वो कांग्रुएंट नहीं है। तो कांग्रुएंस का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर के बाकी पोर्शन की तरफ कि कांग्रुएंस होती क्या। अब वो कह रहे हैं कि सपोज आपके पास m कांग्रुएंट n है, m और n दो नंबर्स हैं जो आपस में कांग्रुएंट हैं, और साथ आपने मॉड भी बताना है कि किस मॉड के तहत, मॉड 5 के तहत, मॉड 2 के तहत, 3 के तहत, 6 के तहत, 7, 8, 9, तो ये मॉड साथ बताना ज़रूरी है, तभी आप इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने का बेसिकली उसने एक ये भी तरीका बताया हुआ है कि अगर आप के पास इस तरह से इक्वेशन हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप मॉड पे डिवाइड कर दें m माइनस n डी ओवर एम माइनस एन, जो भी मॉड है वो, अगर आपका 3 मॉड है तो 3 डिवाइडेड बाय जो भी दो नंबर हैं उनको पहले में से दूसरे को निकाल दें, और देर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो एक इंटीजर आपके पास आ जाएगा के सच दैट एम माइनस एन इज इक्वल टू डी डॉट के, डी मल्टीप्लाइड बाय के। इससे क्या मुराद है, इस नोटेशन से क्या मुराद है, अभी थोड़ी देर बाद हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे हम देखेंगे कि इस नोटेशन से क्या मुराद है। तो वो हमें एग्जांपल के तौर पे हमें एग्जांपल्स दे रहा है, बड़े उल्टे से उसने नंबर लगाए हुए एग्जांपल्स को, सी बी डी डी, पता नहीं ये क्यों है, ये ए बी सी डी होना चाहिए था। खैर पहले हम देखते हैं कि 22 जो है वो कांग्रुएंट 1 के है मॉड 3 के लिहाज से या नहीं, ये हमने देखना है। तो इसको देखने का बड़ा सादा सा तरीका है, ये फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूले में आपने अप्लाई कर देना है, इसमें एम जो है वो 22 है, एन जो है वो 1 है, D जो है वो 3 है, तो K आपने फाइंड करना है कि क्या K एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता। तो बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, आप 22 माइनस 1 ये 21 हो गया, 21 3 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई, पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, जी हो जाता है, इसका मतलब है 7 जो है वो K है और आपका D जो है वो 3 है, इसका मतलब ये है कि ये है, ये दोनों कांग्रुएंट हैं, 22 और 1 एक ही मॉड 3 के लिहाज से एक ही बकेट में आएंगे। अब देख लें, वैसे इसको अपनी कैलकुलेशन करके देख लें कि ये एक बकेट में आते हैं या नहीं आते, लेकिन 22 और 1 जो है वो एक ही बकेट में आते हैं, ये 1 वाली बकेट में ही आएंगे। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि 22 जो है वो 1 वाली बकेट में ही आएगा। वो कैसे, जब आप 22 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 21 तक तकसीम हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ऑब्वियसली इसने फिर 1 वाली बकेट में ही जाना है। इसी तरीके से आपका जो है वो आगे है, बी बी को देख लें, बी में बी आपने यही करना है कि एम माइनस एन कर देना है, यानी माइनस फाइव माइनस टेन करेंगे तो -15 आ जाएगा, -15 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -15 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा -15 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये सेम बकेट में ही आएंगे, ये कांग्रुएंट हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया जी, ये तो कांग्रुएंस का कॉन्सेप्ट था, इसकी आप एग्जांपल्स काइंडली देख लीजिएगा। आगे जो है वो इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनमें कांग्रुएंस को भी इन्वॉल्व किया गया है, ये लास्ट वाली एग्जांपल है,
इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई इस आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस इसी तरह से अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।